कस्टमर जो है उससे अच्छा बिजनेस कर पाए और उसको लाइफ में आगे प्रॉब्लम ना आए मशीन को ऑपरेट करते हुए, ये सोच रख के हम मशीनें बनाते हैं। अगर इस मशीन से आप काम करते हो तो दिन में आप आराम से 6 से 7 हज़ार के पाउच का प्रोडक्शन कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कंपनी के अंदर A1 मशीनरीज में। दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए ऐसी मशीनरीज जो ये पाउच पैकिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है एक रेवोल्यूशन लाने वाली है, एक क्रांति लाने वाली है। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हो इतनी सारी जो मशीनें रखी हुई है, ये 304 की मशीन बनी हुई है, 304 स्टील के अंदर, स्टेनलेस स्टील के अंदर। ये जो आप क्वालिटी देख सकते हो इस मशीन की, इस क्वालिटी की मशीन सिर्फ हम ही बना रहे हैं। आजकल लोग जो है हमारा देखा देखी कॉपी करके मार्केट में ऐसी मशीनरीज उन्होंने लाया है, लेकिन वो कभी भी हमारे मुकाबले में नहीं उतर पाएंगे, कभी भी ये क्वालिटी को मैच नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ, हमारी मशीनरीज में और बाकी जो कंपनीज जो मशीनरी सेल कर रही है उसमें क्या फ़र्क है मैं बताऊँगा आपको। ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क आपको इसमें मिलने वाला है। दोस्तों हम जो मशीनरीज बनाते हैं वो डेडिकेटेड जो है कस्टमर जो है उससे अच्छा बिजनेस कर पाए और उसको लाइफ में आगे प्रॉब्लम ना आए मशीन को ऑपरेट करते हुए, ये सोच रख के हम मशीनें बनाते हैं। हमारा पर्पस यही होता है कि कस्टमर जो है कभी शिकायत लेकर नहीं आए हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, हम क्वालिटी पे R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत सारा टाइम देते हैं, उसके बाद में हम इस तरह की मशीन लॉन्च करते हैं। दोस्तों हमारा पर्पस और मोटो यही है कि कस्टमर जो है जब बिजनेस करेगा, जब इससे बिजनेस करने वाला है तो उसको कोई दिक्कत ना आए। तो दर्शकों को हम पहले जान लेते हैं मशीन के बारे में, आपको मशीन में क्या क्या चीज़ आ रही है और हमारी मशीनों के अंदर क्या फ़र्क है, और जो लोग कंपनी मशीन बना रहे हैं इस तरह की कॉपी करके, इसकी नकल उतार के जो बेच रहे हैं मार्केट में, जो लोगों को ठग रहे हैं, जो झूठ बात बता करके हमारी मशीनों में ये है, हमारी मशीनों में वो है, कंप्रेसर है, AI है, न्यू टेक्नोलॉजी है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो मैं आपके सामने सारी जानकारी दूंगा, आपको तय करना है कि आपको जो है किसकी मशीन बढ़िया लग रही है, आपको तय करना है कि हमको बिजनेस किसके साथ में करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस मशीन के बारे में। आप यहाँ पर देखेंगे इस मशीन की जो क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी बनी हुई है, कितनी मजबूत ये मशीन बनी हुई है। उसके बाद में ये जो स्टील आता है 304, सबसे महंगा स्टील है, सबसे अच्छा स्टील है फूड प्रोसेसिंग मशीनरीज के लिए, तो हमने वही इसको इस्तेमाल किया इसके अंदर। और इसके अंदर मैं बता दूं ये 2 नोज़ल की मशीन है। इसके जो आप नोज़ल भी देख पा रहे हो, ये पूरे नोज़ल जो है स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं, क्योंकि कंटिन्यू इसमें से जूस का फ्लो होता है तो इसमें दिक्कत आती है जंग पकड़ने की, रस्टिंग होने की, तो इसलिए हमने पूरा स्टेनलेस स्टील का नोज़ल दिया हुआ है। कभी इसमें आपको जंग वगैरह इसमें नहीं पकड़ेगा, कितना भी आप यूज़ कर लीजिए। 2 नोज़ल की मशीन दी हुई है डेडिकेटेड, इसके लिए 2 टाइमर दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टी स्पैन का टाइमर दिया हुआ है, किस क्वालिटी का हमको टाइमर आपको मिलता है इसके अंदर आप देख सकते हो, ये ब्रांडेड क्वालिटी का टाइमर लगा हुआ है। और मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आपको 3 स्विचेस दिख रहे होंगे, 2 स्विचेस है और एक इंडिकेटर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर मिलता है, 2 स्विचेस मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको डेडिकेटेड एक टाइमर मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक वोल्टमीटर मिल रहा है, यहाँ पे पावर ऑन ऑफ स्विच मिल रहा है आपको। आप देख सकते हो इतने सारे फंक्शन में मशीनरीज आती है, तो हमने इसको कितना R&D रिसर्च करके मशीन को बनाया होगा। मैं आपको बताता हूँ 2 अलग अलग टाइमर क्यों दिए हुए हैं। बाकी जो लोग मशीनरी सेल कर रहे हैं इसकी कॉपी करके, उसमें आपको बस एक ही टाइमर मिलता है, एक टाइमर पे आपको 2 नोज़ल चलाना पड़ता है, यानी कि एक टाइम पे बस आप एक ही फ्लेवर बना पाओगे तो उसका क्या फ़ायदा। और एक टाइम पे आप जो है, यहाँ अगर आप 100 ml का पाउच बना रहे हो तो सिर्फ 100 ml का ही बना पाओगे, आप 2 नोज़ल का जो है सही से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मैं आपको बताता हूँ इस मशीन में क्या फ़र्क मिलने वाला है आपको। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो टाइमर दिया हुआ है ये नोज़ल के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये अगर आप जैसे कि मान लीजिए आप इसमें अगर आप 100 ml का पाउच आपको भरना है तो आपने 100 ml का टाइम सेट कर दिया, ठीक है। अगर आपको दूसरी तरफ 50 ml का पाउच भरना है तो आप ये टाइमर की मदद से कर सकते हो, लेकिन जिसमें एक ही टाइमर आता है, एक ही SFBS आता है, तो उसमें जो क्या होता है, आप जो है एक टाइम पे 2 अलग अलग फ्लेवर भी नहीं बना सकते, 2 अलग अलग साइज के पाउच भी आप फिल नहीं कर सकते। इस मशीन के अंदर जो है एक टाइम पे जो 2 अलग अलग आप फ्लेवर बना सकते हो
और इसमें अगर आप 100 ml का पाउच फिल कर रहे हो तो ये मशीन के ऊपर, ये नोजल के ऊपर आप जो है 50 ml, 150 ml, 200 ml के पाउचेस बना सकते हो। दोस्तों ये सारा कुछ इस मशीन में आता है। उसके साथ में आपको ये इंडस्ट्रियल सीलर मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं, ये जो इंडस्ट्रियल सीलर है ये इतना जबरदस्त क्वालिटी का है दोस्तों। हमने ये जो बनाया है ना, ये रफ एंड टफ यूज के लिए बनाया है, यानी कमर्शियल यूज के लिए बनाया है। इसके अंदर जो है आपको 3 लेयर का जो है इसमें सीलिंग आती है, आप देख सकते हो, 1, 2, 3, 3 लेयर की इसमें सीलिंग मिलती है आपको। इसके अंदर ऑटो कट ऑफ सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे हीट कंट्रोलर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पूरा गेज मिलता है कितनी आपको हीटिंग रखनी है, आपके पाउच के हिसाब से आप रख सकते हो, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। और इसमें प्लग भी दिया हुआ है, इसको प्लग लगा के आप मेन स्विच से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। दोस्तों ये जो है इंडस्ट्रियल सीलर जो है बढ़िया क्वालिटी का, ये मशीन के साथ में आपको फ्री आ रहा है। और ये मशीन में आपको देख सकते हो इसकी हाइट और लेंथ देख सकते हो, इसका जो है इसकी मजबूती देख सकते हो उस मशीन की। अगर इस मशीन से आप काम करते हो तो दिन में आप आराम से 6 से 7 हज़ार के पाउच का प्रोडक्शन कर सकते हो। दोस्तों मैं आप यहाँ पे एक आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, अगर आप पाउच पैकिंग की मशीन खरीद रहे हो तो आप क्या चाहते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करूँ और मेरी मशीन आपको कभी प्रोडक्शन करते हुए कभी दिक्कत ना आए, बार बार दिक्कत ना आए, कि ताकि आपका क्या उससे डिस्टर्ब हो गया, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, आपको बिजनेस करने में परेशानी होगी। तो ये सारी चीज़ों को हमने मद्देनजर रखते हुए जो है हमने ऐसी मशीन बनाई है कि जो ये कस्टमर मशीन लेके अपना बिजनेस करेगा, प्रोडक्शन करेगा, उसको जो है इस तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि दोस्तों आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक लाइव डेमो भी करके बताऊंगा कि किस तरह से ये वर्क करेगा, और मैं आपको ये इंडस्ट्रियल सेलर का यूज़ भी बताऊंगा जो हमने ये मशीन के साथ में आपको बिल्कुल फ्री देने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो है इसके अंदर 4 अलग अलग मॉडल आते हैं एसएस के अंदर, एसएस बॉडी के अंदर। मैं चारों मॉडल आपको बता देता हूं यहाँ पे। यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो, मेरे चारों तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ मशीनें ही मशीनें हैं, आप देख सकते हो। लेके यहाँ से लेके आपको डबल नोजल का मॉडल देख पा रहे हो आप विथ इंडस्ट्रियल सीलर, इसकी क्वालिटी देख सकते हो। उसके बाद में आपको इसके अंदर, अगर इसके अंदर आपको छोटी बॉडी में चाहिए वो भी मिल जाएगी आपको। देख आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डबल नोजल में आपको अगर स्मॉल चाहिए बॉडी में तो वो भी मिल जाएगी। इसके बाद में अगर आपको सिंगल नोजल चाहिए, सिंगल नोजल भी आपको इसमें मशीनरीज मिल जाएगी। अगर उसको सिंगल नोजल में आपको ये लगा के चाहिए, आपको इंडस्ट्रियल सीलर चाहिए, तो ये भी आपको मिल जाएगी। और इसकी आप बॉडी भी देख सकते हो, इसमें बड़ी बॉडी मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए, अगर सिंगल नोजल में आपको बड़ी बॉडी में चाहिए विथ सीलर चाहिए तो इसमें दोनों ऑप्शन आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपके सामने मैं इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ, ये देख सकते हो आप, इसकी क्वालिटी देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो है इंडस्ट्रियल सीलर लगाने के लिए दिया हुआ है, स्क्रू दिए हुए हैं आपको, इसको खोलना है और आपको फिक्स करके टाइट कर देना है बस। अगर आपको इसके बिना यूज़ करना है, आपको हैंड सीलिंग मशीन यूज़ करना है तो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी आप मंगवा सकते हो हमसे। उसके बाद में आप देख सकते हो इसकी जो है पूरी इसका नोजल देख सकते हो, पूरा एसएस के अंदर दिया हुआ है, फूड ग्रेड स्टील यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आपको वोल्ट मीटर मिलता है, यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है आपको, जब आप स्विच को प्रेस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा स्विच ऑपरेट हो रहा है। इसके अंदर आपको एक मन में सवाल आता होगा, यहाँ पे 2 स्विच क्यों दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो स्विच दिया हुआ है दोस्तों, ये जो टाइम वर्क करता है, आपने जैसे क्वांटिटी सेट की हुई है 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, तो वो जब आप ये स्विच को प्रेस करते हो तब वो 100 ml की क्वांटिटी निकलती है, उसके बाद में ऑटो कट ऑफ ले लेता है। ये जो स्विच है ये ऑटो क्लीनिंग के लिए भी यूज़ होगा, और अगर आपको ऐसे पाउचेस भरने हैं जिसमें विदाउट टाइम टाइम सेट करके आपको पाउच भरना है तो इसकी मदद से आप भर सकते हो। इसको जब तक आप प्रेस करके रखोगे तब तक जूस आता रहेगा, छोड़ दोगे बंद हो जाएगा। क्लीनिंग करने के लिए शाम के वक्त जब आपका काम पूरा हो गया, आपको क्लीनिंग करनी है तो भी आप इसका इस नोजल का, इस स्विच का आप यूज़ कर सकते हो। तो दर्शकों, मैं आपको ये दोनों स्विचेस का और टाइमर का क्या यूज़ होगा, क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको एक प्रोडक्ट लाइव डेमो करके बताता हूँ। तो हम अभी सबसे पहले देख लेते हैं हम किस तरह से ये मशीन हमारी वर्क होगी। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल नोजल की मशीन है, आप देख सकते हो। यहाँ पे दोनों टाइमर में आपको देख रहा होगा कि दोनों टाइमर जो है ऑन है, और यहाँ पे वोल्टेज आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे 242 आपको वोल्टेज दिखाई दे रहा है। यहाँ अगर आपको इससे क्या फ़ायदा है आपका, जैसे कि अगर आपका वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो तुरंत ही आप इस मशीन को ऑफ कर सकते हो, आपको समझ में आएगा कि नहीं ज़्यादा वोल्टेज है, अब इसको थोड़ी देर बाद इस्तेमाल करेंगे।
तो दर्शकों आप देख सकते हो मैंने आपको वोल्टेज मीटर का फायदा बताया है, क्या फायदा आपको उसमें होने वाला है। उसके बाद में मैं आपको देखिए मैंने यहाँ पे 100 ml का टाइम सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। इससे मैं जो है एक सेपरेट पाउच फिल कर सकता हूँ और यहाँ से मैं एक सेपरेट पाउच फिल कर सकता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको दो स्विचेस दिख रहे होंगे, ग्रीन स्विच है, रेड स्विच है, यहाँ पे इंडिकेटर है, यहाँ पे देख सकते हो ये ऑन ऑफ स्विच है। ये देखिए मैंने ऑफ किया है मशीन को, मैं फिर से ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद मैं आपको यहाँ पे 100 ml का पाउच भर के बताता हूँ। इसके अंदर से आपका जो टाइम मैंने सेट किया हुआ है वो वापस नहीं जाएगा, सेव रहेगा। इसमें मेमोरी सेवर दिया हुआ है मल्टी स्पैन के टाइमर के अंदर, तो इसका ये फ़ायदा होने वाला है। अभी हम डायरेक्ट पाउच जो है फिल करके देखते हैं। मैं एक पाउच को जो है यहाँ पे पहले लगा लेता हूँ इस तरह से, देखिए। अभी हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बना रहे हैं तो हम जो है इसको स्ट्रॉबेरी पाउच हम यहाँ पे फिल करेंगे। दोनों पाउच को मैं इसको लगा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये स्विच को मैंने प्रेस किया, हमारा पाउच यहाँ पे भर गया। उसके बाद में हम देखेंगे ये वाला स्विच प्रेस करके, ये देखिए। अभी दोस्तों देखिए दोनों पाउच यहाँ पे फिल हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस पाउच को निकाल कर जो है ये इंडस्ट्रियल जो सीलर की मदद से, हैवी ड्यूटी वाला सीलर, उसकी मदद से एक बार टैप कर दूंगा। टैप होने के बाद देखिए इस तरह से हमारा पाउच जो है सील हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे आपको ट्रिपल सीलिंग दिख रही होगी। कैमरे को जरा यहाँ पे फोकस करिए, आपको समझ में आएगा। देखिए 1 2 3, यहाँ पे ट्रिपल सीलिंग है। उसके बाद में आप देख सकते हो कितना अट्रैक्टिव ये पाउच तैयार हुआ है हमारी मशीन की मदद से, SS2 नोजल की मशीन की मदद से, इंडस्ट्रियल सीलर की वजह से। कितनी ज़बरदस्त पैकिंग हुई है और क्या शेप आया आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये पूरा बॉटल की तरह इसने शेप ले लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए इस तरह से, देखिए पूरी बॉटल की तरह इसने शेप ले लिया है। आगे से भी देखिए, यहाँ से भी देखिए आप। अब बता, इतना टाइट ये पाउच भरा है। लोग क्या कहते हैं कि मशीन के अंदर हमने कंप्रेसर लगाया है, ये सबसे बड़ा झूठ फैला हुआ है मार्केट के अंदर। कोई कंप्रेसर नहीं है, कोई कुछ ऐसा कुछ मशीनरी अलग से नहीं होती है। मैं आपको आपके सामने यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप पीछे ये मशीन लगी हुई है, मशीन का जो है इनलेट पाइप जो है यहाँ पे बकेट में डाला हुआ है, हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बना के रखा था। ये देखिए बकेट के अंदर पाइप गया हुआ है, कोई अलग से मशीनरीज नहीं है, आप सामने देख सकते हो। और आप देखना, आपने देखा कि किस लेवल का है हमारा पाउच तैयार हो गया। अभी मैं आपको ये दूसरा वाला पाउच है ये भी सील करके बताता हूँ आप ही के सामने कितना टाइट है पाउच हमारा तैयार हुआ। ये देखिए यहाँ पे इसको एक टैप में जो है हमारा पाउच सील हो जाता है। ये देखिए, ये देख सकते हो आप कितना अट्रैक्टिव पाउच बना है। अगर मैं इसको ज़मीन पे भी फेंकता हूँ, ये देखिए कोई लीकेज वगैरह नहीं मिलने वाला है। कितना ज़बरदस्त ये बाउंस हो रहा है, आप देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, इस क्वालिटी का पाउच तैयार होता है। जैसे लोग झूठ बोल कर बोलते हैं कि हमारी मशीनों में कंप्रेसर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मशीन ही होती है बस पाउच फिलिंग वाली, और कुछ भी नहीं होता है। आपके सामने ही पाउच फिल किया हुआ है। अगर दर्शकों मैं आपको बताऊं, अगर आपको डबल नोजल में अगर नहीं करना है, शुरुआत सिंगल नोजल से करनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी सिंगल नोजल मशीन रखी हुई है बिग बॉडी के अंदर। इसका भी मैं आपको एक डेमो करके बताता हूँ कि किस तरह से ये मशीन वर्क करती है। ये देखिए दोस्तों, इस मशीन के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पे ये पाउच को इस तरह से लगा देना। लगाने के बाद इसको स्विच को मैं प्रेस कर दूंगा एक बार। देखिए ये हमारा पाउच जो है यहाँ पे फिल हो गया है। ये देखिए अभी दोस्तों हमारा पाउच फिल हो चुका है। आप क्या करेंगे, इस इंडस्ट्रियल सीलर की मदद से जो है हम सिंगल टैप में जो है हमारा पाउच ये पूरा सील हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए 1 2 3, तीन ट्रिपल सीलिंग हुई है। 3 लेयर वाले इंडस्ट्रियल सीलर की मदद से हमने पाउच को सील किया है। मैंने दर्शकों आपको इस मशीन में भी डेमो करके बताया है, इस मशीन में भी डेमो करके बताया है। आप देख सकते हो दोनों की क्वालिटी देखा आपने। अगर किसी को सिंगल नोजल लेना है वो ये ले सकता है, डबल नोजल लेना चाहता है वो भी ले सकता है। दोस्तों मैं अगर बता दूं, आप ये मशीन की मदद से जो है इसके टाइमर में टाइम सेट करके आप जो है 40 ml का इस तरह का जो है ये पाउच आप बना सकते हो। ये पेंसिल की तरह दिखने वाला पाउच है, ये जिस तरह की 1 रुपये की पेप्सी, 2 रुपये की पेप्सी आती है उस तरह से ये पाउच दिखता है। आप देख सकते हो ये भी पाउच आप बना सकते हो इस मशीन की मदद से। उसके बाद में इस तरह के पाउचेस भी आप बना सकते हो। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इसमें आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है इस बिज़नेस के अंदर, तो दर्शकों अगर आप ये मशीन से अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो दिन में आप 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार तक का प्रोडक्शन कर पाओगे। इस मशीन से आप अगर प्रोडक्शन करोगे तो दिन में आप 3 से 3.5 हज़ार का पाउच का प्रोडक्शन कर सकते हो। दोस्तों अगर एक पाउच की जो लागत आती है मैं उसकी बात करूं, तो इसकी जो लागत आती है मात्र 2 रुपये। 2 रुपये आपको खर्चा होता है एक पाउच को तैयार करने में,
3.5 रुपये में दुकानदार को आपको माल बेचना है तो आपको इसमें प्रॉफिट हुआ 1.5 रुपये का। अगर दिन में आप 2000 भी पाउच सेल करते हो प्रोडक्शन करके तो आपको जो है प्रॉफिट होगा इसमें 3000 रुपये का पर डे। मैं सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, आपका खर्चा निकाल कर इसमें आपको दिन का 3 से 4000 रुपये प्रॉफिट होने वाला है। उसके साथ में बात करते हैं कि इस क्वालिटी वाली मशीन के साथ में आपको क्या मिलता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी इसकी किट रखी हुई है, साथ में आपको 2000 पाउच आते हैं। ये देखिए कोला के 500 पाउच और उसका फ्लेवर मिलने वाला है आपको, ये देख सकते हो आप। उसके बाद में घट लीची के फ्लेवर और उसकी 500 पाउचेस, और घट मैंगो के फ्लेवर उसका 500 पाउचेस, उसके बाद में स्ट्रॉबेरी के 500 पाउचेस और उसके फ्लेवर। साथ में आपको एक लिक्विड आता है, ये देख सकते हो, एक लिक्विड को ऐड करने से जो है आपकी जो जूस की वैलिडिटी 3 महीने तक बढ़ जाती है, शेल्फ लाइफ आपकी 3 महीने तक बढ़ जाती है इसमें। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर आती है डेट कोडिंग मशीन, जिसकी मदद से जो है आप पाउच के पीछे MRP, एक्सपायरी डेट, फसाई रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारा कुछ प्रिंट कर सकते हो। उसके साथ में आपको इंक मिलता है, इंक के साथ में एक रिमूवर मिलता है, जैसे कि आपका इंक का पैड अगर आपका कड़क हो जाता है तो उसको लूज करने के लिए, या अगर कुछ गलत हो गया तो उसको मिटाने के लिए, दोनों में ये यूज़ होता है इसका। उसके बाद में आपको डिस्प्ले डैंगलर आते हैं, देख सकते हो आप, इतना ज़बरदस्त आपको डिस्प्ले डैंगलर आता है। इसकी मदद से आप दुकानदार को जो है दुकानदार के दुकान के ऊपर आप मार्केटिंग कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की, वो उसको यहाँ पे दुकान पे हैंग करेगा तो लोग उसको देखकर जो है इससे डिमांड करेंगे इस प्रोडक्ट की। और साथ ही में आपको बंच पैकिंग पॉलीथीन आती है, ये देख सकते हो आप, प्रिंटेड बंच पैकिंग पॉलीथीन आती है सैम्पल पीसेस के मशीन के साथ में। आपको इसमें आपको माल को पैक करना है और बंच बना के दुकानों में सेल करना है। दोस्तों अगर विदाउट सीलर वाली मशीन मंगाओगे तो उसके साथ में आपको हैंड सीलिंग मशीन आती है बिल्कुल फ्री। अगर आप सीलर वाली मशीन मंगाओगे तो आपको ये इंडस्ट्रियल सीलर 3 लेयर वाला ऑटो कट ऑफ वाला इंडस्ट्रियल सीलर आपको बिल्कुल फ्री मिलता है इसके साथ में। तो दोस्तों ये देख सकते हो, हमने आपको बताया है कि हमारे पास कितनी सारी मशीनरीज हैं। अगर आप देख ही सकते हो मेरे पीछे, आप चारों तरफ मेरी मशीनें ही मशीनें हैं। अगर आप ये इंटरेस्टेड हो ये बिज़नेस के अंदर, अगर आपको ये बिज़नेस करना पसंद है, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो दोस्तों, अगर ये मशीन अगर आप मंगवाना चाहते हो अपने घर पर, तो ऑल ओवर इंडिया में हर जगह हम डिलीवरी देते हैं, COD पे भी देते हैं, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी पे भी हम पहुंचाते हैं। दोस्तों अगर आप कहीं पे भी रहते हो, गांव में, देहात में, कहीं से भी रहते हो, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कॉल करिए, आपके घर तक माल पहुँचेगा। गाँव में हमारा जो है पार्सल पहुंचता है, हमारा शिपमेंट पहुंचता है। आपको क्या करना है, वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करना है, कॉल करके प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है, और जानकारी लेने के बाद आप इस प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत एडवांस पेमेंट करके आप अपने घर पर मशीनें मंगवा सकते हो। लेकिन अगर कोई आकर देखना चाहता है, आकर क्वालिटी चेक करना चाहता है, तो बिल्कुल उसका हम स्वागत करते हैं, वो बिल्कुल आए, आकर देखकर यहाँ से लेकर जाए, ये भी हमने ऑप्शन रखा है आपका, हम वेलकम करते हैं, आप आइए और देखकर लेकर जाइए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि पाउच मेकिंग की जो मशीनरीज होती है, किस तरह की मशीनरीज होती है आपने देखा। अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।